हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने एजुकेशन चैनल एसपी एजुकेशन पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 6 अप्रैल की महत्वपूर्ण घटनाओं पर, जो आपको आपकी एग्ज़ाम्स में सीधे प्रश्न के तौर पर देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम बात करेंगे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। आप इनको अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लें ताकि आपको रिवीजन में आसानी रहे। फ्रेंड्स, ठीक है, तो आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। चलिए आज का मोटिवेशनल कोट से हम शुरू करेंगे कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती हैं। पंखों से कुछ नहीं होता क्योंकि हौसलों से उड़ान होती है, क्योंकि हौसलों से उड़ान होती है। फ्रेंड्स, आपके यदि हौसले बुलंद है तो आप किसी भी ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं और उस पर बने रह सकते हैं। इसलिए हौसलों का होना और अपने आप में कॉन्फिडेंट रहना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है आज के समय में, जो कंपटीशन बढ़ रहा है इस समय में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस किस दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस किस दिन मनाया जाता है फ्रेंड्स, और ये जो है हर वर्ष 5 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, और इसको मनाना जो प्रारंभ किया गया था फ्रेंड्स, वह 1964 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि निम्न में से किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने मियामी ओपन टेनिस का खिताब दूसरी बार जीत लिया है। फ्रेंड्स फ्रेंड्स, जो ये क्वेश्चन है खेल खेल वाले पार्ट से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप IMP माने और इसको नोट डाउन करें फ्रेंड्स, क्योंकि यह काफ़ी मोस्ट प्रश्न है कि अभी जो हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, एसले बार्टी। एसले बार्टी ने इस टूर्नामेंट को जीत लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके बारे में मतलब ये जो है वर्ल्ड नंबर ऑस्ट्रेलिया की एसले बार्टी ने मियामी ओपन का खिताब जीत लिया है, और महिला के फाइनल में कनाडा की वियांका आंद्रेस्कू को चोट के कारण मैच पूरा नहीं कर सकी, जिसके कारण इन्हें विजेता घोषित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और यह लगातार दूसरी बार टूर्नामेंट का खिताब जीता है इन्होंने। पिछले साल कोरोना के कारण टूर्नामेंट नहीं हो सका था, और 2019 का भी जो टूर्नामेंट का खिताब है एसले बार्टी ने ही जीता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बाद शादी के लिए जबरन धर्मांतरण पर कानून पारित करने वाला देश का तीसरा राज्य निम्न में से कौन सा बन गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। ठीक है फ्रेंड्स, गुजरात जो है ऐसा करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब इसमें है कि यदि आप किसी से ज़बरदस्ती या धर्म परिवर्तन करने के उद्देश्य से शादी करते हैं तो इसमें 3 से 5 साल तक की कैद की सज़ा है और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित हाल ही में किस प्रतिष्ठित निशानेबाज कोच का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका जो आंसर है फ्रेंड्स ए, ऑप्शन नंबर ए, संजय चक्रवर्ती। संजय चक्रवर्ती का हाल ही में निधन हो गया, जो एक निशानेबाज कोच थे। ठीक है फ्रेंड्स, इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार भी मिल चुका है, और उन्होंने गगन नारंग और अंजलि भागवत जैसे कुछ शानदार निशानेबाजों को ट्रेनिंग भी दी है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक एवं एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक ने पंजाब को कितने मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी प्रदान की है फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है, पंजाब में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 300 बिलियन डॉलर का ऋण दिया गया है ताकि पंजाब में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिग्विजय सिंह ज्वाला का निधन हो गया, वे भारत के किस विभाग के पहले मंत्री थे? ठीक है फ्रेंड्स, क्या वह शिक्षा विभाग के पहले मंत्री थे, पर्यावरण विभाग, मानव संसाधन विभाग या रक्षा विभाग? फ्रेंड्स, ये जो हैं अभी जिनका निधन हुआ दिग्विजय सिंह ज्वाला, यह सबसे पहले पर्यावरण मंत्री थे। ठीक है फ्रेंड्स, पर्यावरण मंत्री थे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। और ये जो है 1982 से 1984 तक पर्यावरण मंत्री रहे हैं फ्रेंड्स, और यह गुजरात के वाकानेर से विधायक भी रह चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन सा बन गया है? पूर्ण रूप से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन सा बन गया है फ्रेंड्स? इसका जो आंसर है ऑप्शन ए पश्चिम मध्य रेलवे, भारत का ऐसा पहला रेलवे जोन है जो पूरी तरह से विद्युतीकृत हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा किस देश के छात्रों को मुक्ति जोधा छात्रवृत्ति, कौन सी फ्रेंड्स, मुक्ति जोधा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है? ये काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत सरकार द्वारा मुक्ति जोधा छात्रवृत्ति किस देश के छात्रों को प्रदान की जाती है? और इसका आंसर है फ्रेंड्स बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश इसका सही आंसर है। ठीक है, इसके तहत जो जो योजना है अपनी, जो मुक्ति जोधा छात्रवृत्ति के तहत 5 वर्षों में बांग्लादेश के 10,000 छात्रों को लाभ मिलेगा, और इसमें उच्चतर माध्यमिक और स्नातक श्रेणी में 1,000 छात्रों को सीधे उनके खातों में छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और काफ़ी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है अगला, क्योंकि यह युद्ध अभ्यास से संबंधित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन है कि ला पेरोज फ्रांस द्वारा संचालित किया जाने वाला एक रक्षा अभ्यास है, इसमें किस संगठन के सदस्य भाग ले रहे हैं? ला पेरोज एक रक्षा अभ्यास है जो फ्रांस द्वारा संचालित किया जा रहा है, और इसमें किस संगठन के सदस्य भाग ले रहे हैं फ्रेंड्स? इसका जो आंसर है ये है क्वाड, ऑप्शन नंबर ए क्वाड। ठीक है, इसमें क्वाड क्वाड सदस्य के जो देश हैं वह इसमें भाग ले रहे हैं, और फ्रांस द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है सॉरी अगला क्वेश्चन है, एशिया मनी वेस्ट बैंक अवार्ड 2021 के लिए देश की सर्वश्रेष्ठ SME बैंक किसे चुना गया है? ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए HDFC बैंक को इस अवार्ड के लिए चुना गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज के जो महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन थे वह हमारे द्वारा कवर कर लिए गए हैं, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वे भी हमसे जुड़ सके। ठीक है फ्रेंड्स, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें जहाँ पर आपको PDF उपलब्ध कराई जाएगी, और अन्य प्रकार के महत्वपूर्ण कंटेंट भी उपलब्ध कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।